हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया? मैं भी ठीक ही हूँ गाइस। एक कार्टून वीडियो बनाने के लिए बहुत से एलिमेंट की ज़रूरत होती है। ऐसा तो मैंने कुछ एलिमेंट पर वीडियो बना चुका हूँ, अभी तक आपने इन्हें नहीं देखा है तो इसे भी देख लेना। लेकिन आज मैं जिस एलिमेंट के बारे में बताने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज मैं स्पेशल इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। स्पेशल इफेक्ट क्या है? स्पेशल इफेक्ट एक विजुअल ट्रिक है जिसके मदद से कार्टून, फिल्म, टेलीविज़न, थिएटर और वीडियो गेम में वर्चुअल वर्ल्ड और इमेजिनरी वर्ल्ड तैयार किया जाता है। मतलब जो चीज़ वास्तविक दुनिया में होती है रियल दुनिया में होती है, जैसे हवा, वर्षा, तूफान, कोहरा, बादल, बम ब्लास्ट, ये सब वर्चुअल वर्ल्ड में आता है। और इमेजिनरी वर्ल्ड मतलब जो हम कल्पना करते हैं, जैसे कि दुनिया के बाहर एक जादुई दुनिया है जहाँ की वातावरण बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ पर सारे जानवर, पेड़ पौधे, नदियाँ, मछलियाँ, सभ्य जादुई शक्तियाँ होती है। उसी जादुई दुनिया की रानी, रानी माँ भी रहती है। उसी दुनिया में एक और दुनिया है जिसमें बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। मतलब जो वास्तविक में हो नहीं सकता है उसे हम इमेजिनरी वर्ल्ड कहते हैं। इसमें बहुत से इफेक्ट का यूज होता है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। सो इन सारे इफेक्ट को बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के मदद से बनाकर यूज किया जाता है। लेकिन जैसा कि हमें मोबाइल से ही कार्टून या कोई भी वीडियो बनाना है तो हम किनेमास्टर के ही अंदर स्पेशल इफेक्ट यूज करना सीखेंगे। और साथ ही साथ कुछ और बेसिक एलिमेंट है जो कार्टून या कोई भी वीडियो को प्रोफेशनल बनाने में काम आता है, उसे भी हम डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए आज का प्यारा सा वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इफेक्ट। जब आप किसी ऐसी सीन क्रिएट करते हैं जहां पर आपके कैरेक्टर को किसी पानी में दिखाना हो, या किसी आग से तपते हुए गर्मी में दिखाना हो, या हॉरर साइनमेटिक सीन बनाना हो, तो ऐसे सीन को हम इफेक्ट्स इफेक्ट के मदद से बनाएंगे। इफेक्ट्स इफेक्ट यूज कैसे करें? तो सबसे पहले आपको इफेक्ट्स इफेक्ट को डाउनलोड करना है। तो इसके लिए हम किनेमास्टर के एसेट स्टोर में जाएंगे और यहाँ पर इफेक्ट्स इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें हर तरह के इफेक्ट्स इफेक्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपने सीन के हिसाब से इफेक्ट इफेक्ट डाउनलोड कर लें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने कैरेक्टर को पानी के अंदर में दिखाना है तो मैं यहाँ से रिपल इफेक्ट पर क्लिक कर ले रहा हूँ। और हर इफेक्ट के अंदर वीडियो सैंपल मिल जाएंगे जिसको देखकर आप जान सकते हैं कि ये इफेक्ट किस तरह से काम करता है। अब इसके बाद बगल में ही डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ से इस इफेक्ट को डाउनलोड कर लेंगे। अब इस इफेक्ट को अपने वीडियो क्लिप में यूज करना है तो हम अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे, और जहाँ पर भी आपको रिपल इफेक्ट को यूज करना है, कोई भी इफेक्ट को यूज करना है, तो उस क्लिप के पास जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस पूरे सीन में पानी क्रिएट करना है, पानी दिखाना है पूरे सीन में, तो हम इस लाल लकीर को क्लिप के पास ले जाएंगे। और अब ऊपर लेयर में जाएंगे तो एक इफेक्ट का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप एसेट स्टोर से जितने भी इफेक्ट डाउनलोड किए होंगे वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब यहाँ से जिस इफेक्ट को यूज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से रिपल वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद उसी इफेक्ट का नीचे एक लेयर बन जाएगा, तो सबसे पहले इसे ड्राई करके देख ले कि इफेक्ट सही से काम कर रहा है या नहीं। फिर इस इफेक्ट को जितनी सीन के एरिया में दिखाना हो इसे छोटा बड़ा करके अच्छे से एडजस्ट कर लें। फॉर एग्जांपल, मुझे पूरे सीन में ही वाटर दिखाना है तो मैं इफेक्ट को पूरे सीन में लगा दे रहा हूँ। इसके बाद इस इफेक्ट को जिस क्लिप तक दिखाना हो तो इस इफेक्ट वाले लेयर को क्लिप के अनुसार एडजस्ट कर देंगे। अब जैसा कि पानी का कलर हल्का ब्लू रहता है तो हम लेयर में जाके कोई कलर का बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। फिर कलर में जाकर ब्लू कलर को सेलेक्ट करके बैकग्राउंड को ब्लू कर देंगे। अब इसे अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद ब्लेंडिंग में जाकर ओवरले को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर बैकग्राउंड एकदम ब्लू पानी के जैसा हो गया। अब थोड़ा प्ले करके देख लें कि इफेक्ट सही से काम कर रहा है या नहीं।
अगर आपको लगता है कि इफ़ेक्ट सही से काम नहीं कर रहा है तो इफ़ेक्ट के सेटिंग में जाकर इफ़ेक्ट को अपने हिसाब से मैनेज कर लें। अब फाइनली वाटर इफ़ेक्ट बन चुका है। सीन को और भी बेहतर बनाने के लिए रिवर ग्रीन स्क्रीन यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन स्क्रीन ज़्यादा यूज मत करना, नहीं तो किनेमास्टर स्लो हो जाएगा। सो इसमें और भी ज़रूरत के सारे इफ़ेक्ट हैं जिन्हें आप अपने सीन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। दूसरा, वीडियो ट्रांजिशन। वीडियो ट्रांजिशन का उपयोग तब होता है जब एक शॉट को दूसरे शॉट में जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कहानी में कोई फ्लैशबैक का सीन है, मतलब पिछले जन्म का कोई सीन है जिसमें आप अपने बचपन की सीन दिखाना चाहते हैं, तो प्रेजेंट सीन को पास्ट सीन में जोड़ना होगा। तो खास करके ऐसे सीन में ट्रांजिशन का इस्तेमाल होता है। या आपने कोई कार्टून या फिल्मों में देखे होंगे, जब सुबह का सीन दिखाया जाता है या शाम होते हुए दिखाया जाता है तो एकदम से सीन चेंज नहीं होता है, पहले सीन धीरे धीरे वाइट होकर दूसरे सीन में बदल जाती है जिनसे हमें समय बीतते हुए दिखाई पड़ता है। ट्रांजिशन यूज कैसे करें, मैं आपको दो मुख्य ट्रांजिशन के बारे में बताऊंगा जो वीडियो में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। पहला क्रॉस फेड, दूसरा फेड इन फेड आउट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर मॉर्निंग और सनराइज का दो बैकग्राउंड ऐड किया हुआ है। यहाँ पर चाहे तो आप अपने शूट की हुई वीडियो भी यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस सीन को मुझे शाम होते हुए दिखाना है, तो सबसे पहले मैं इसे बिना ट्रांजिशन के ही प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो सनराइज का बैकग्राउंड है एकदम से चेंज हो जा रहा है, कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम इसमें ट्रांजिशन ऐड करेंगे तो देखना कैसा इफेक्ट आता है। तो ट्रांजिशन ऐड करने का सिंपल तरीका है, आपको क्लिप के बीच में एक डब्बा दिखाई दे रहा होगा, तो यही ट्रांजिशन इफेक्ट का ऑप्शन होता है। ये हर वीडियो क्लिप के बीच में मौजूद होता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इसमें पहले से ही कुछ ट्रांजिशन मौजूद होते हैं, या आप चाहे तो गेट मोर पे क्लिक करके और भी ट्रांजिशन इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से क्रॉस फेड ट्रांजिशन को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें इस तरह का इफेक्ट लग चुका है। चाहे तो यहाँ से ट्रांजिशन का स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। और फाइनली इस वीडियो में ट्रांजिशन लग चुकी है। फेड इन फेड आउट। फेड इन का इस्तेमाल किसी सीन के शुरुआत में होता है, जबकि फेड आउट सीन के अंत में होता है। इस ट्रांजिशन का ज़्यादा इस्तेमाल तब होता है जब पूरी वीडियो खत्म हो जाती है, तब वीडियो के लास्ट में क्रेडिट देने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये मेरी वीडियो का लास्ट क्लिप है, यहाँ से मेरी वीडियो खत्म हो रही है, तो मैं सबसे पहले एक ब्लैक बैकग्राउंड ऐड कर दे रहा हूँ। अब मैं इसके बीच में फेड इन फेड आउट का ट्रांजिशन लगा दे रहा हूँ और मैं टेक्स्ट में जाकर अपना नेम लिखकर क्रेडिट दे दे रहा हूँ। बस ये भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह और भी ट्रांजिशन है जिसे आप अपने सीन के जरूरत के हिसाब से लगा सकते हैं। तीसरा, स्पेशल इफेक्ट एंड एनिमेशन स्टिकर। स्पेशल इफेक्ट के बारे में जानने से पहले हम एनिमेशन स्टिकर के बारे में जानते हैं। एनिमेशन स्टिकर अक्सर हमें अपने कार्टून या कोई भी वीडियो बनाने में बहुत से स्टिकर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम किनेमास्टर को छोड़कर गूगल पर स्टिकर ढूंढते हैं। हाँ, गूगल पे मिल जाती है, लेकिन अगर आपको सारे स्टिकर किनेमास्टर के अंदर मिल जाए तो क्या होगा? तो आपको किनेमास्टर के एसेट स्टोर के ही अंदर जरूरत के सारे स्टिकर मिल जाएंगे। और इसमें खास बात ये है कि सारे एनिमेशन स्टिकर हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वीडियो में ऐसा कोई सीन हो जहां पर ब्लड दिखाना हो, तो आप TYPO स्टिकर को डाउनलोड कर ले। मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है
और अब आप प्रोजेक्ट में जाएं और जहां पर ब्लड दिखाना है उस क्लिप के पास जाएं और लेयर में जाएं, तो यहां पर एक ओवरले का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करें और इसमें से ब्लड वाला स्टिकर को सिलेक्ट करें और इसे जहां पर भी लगाना हो उस जगह पर अच्छे से एडजस्ट कर दें। बस ये तैयार हो चुका है। स्पेशल इफेक्ट। स्पेशल इफेक्ट के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था, लेकिन इसे कैसे डाउनलोड करना है, इसे कैसे यूज करना है ये हम जानते हैं। स्पेशल इफेक्ट यूज कैसे करें, तो सबसे पहले इसे भी डाउनलोड करेंगे तो हम एसेट स्टोर के ओवरले में ही जाएंगे, तो नीचे ही स्पेशल इफेक्ट का ऑप्शन होगा, तो आप इसमें जाएंगे तो ज़रूरत के सारे इफेक्ट मिल जाएंगे। जैसा कि अगर आप साईफाई, हॉरर, मैजिक जैसी वीडियो बना रहे हैं तो आपको स्पेशल इफेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं ये पावर वाले इफेक्ट को डाउनलोड कर ले रहा हूँ, या मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है। अब इस इफेक्ट को यूज करना है तो लेयर में जाकर फिर ओवरले में जाएंगे और यहाँ से पावर वाले इफेक्ट को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे चुड़ैल के मुंह से शक्तियाँ निकालनी है, तो मैं इस पावर वाले इफेक्ट को इसके मुंह में लगा दे रहा हूँ और ये चुड़ैल अपनी शक्तियों से इस बच्चे को मारना चाहती है, तो मैं पावर इफेक्ट के छोर को बच्चे की तरफ इस तरह से लगा दे रहा हूँ। अब इसमें इफेक्ट के अनुसार साउंड इफेक्ट ऐड कर देना है। जैसा कि ये पावर वाला इफेक्ट है तो मैं पावर साउंड इफेक्ट लगा दे रहा हूँ। बस और क्या, स्पेशल इफेक्ट लग चुका है और सीन रेडी हो चुकी है। इसी तरह और भी स्पेशल इफेक्ट है जिनको अपनी सीन के हिसाब से लगा सकते हैं। सो मैंने आपको स्पेशल इफेक्ट और बेसिक एडिटिंग से जुड़े वो सारी जानकारी बता दिया हूँ, जिनकी मदद से आप एक प्रोफेशनल कार्टून या कोई भी वीडियो बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्या नाचोगे? अरे सब्सक्राइब करो यार। और ये घंटा घंटा कौन बजाएगा? ये घंटी बजाने से आपकी सारे मनोकामना पूरी हो जाती है, तो आप ही फैसला करो ये घंटी बजानी है या नहीं। बस आज के लिए इतना ही, अब मैं चलता हूँ, मुझे दूसरी दुनिया से कॉल आ रही है। हेलो, हाँ मैं जादुई दुनिया का राजा बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए जापना, तू कल हमारे महल में आया था क्या? हाँ जापना, लेकिन मैंने कोई जादुई चिराग नहीं चुराया। अरे पागल, वो जादुई चिराग नहीं, मेरे टॉयलेट का मग था।